Dear students, welcome to Direct Admission Center. आज मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड क्लासेस स्कॉलरशिप टेस्ट गवर्नेंस के बारे में बताने वाला हूँ. जी हाँ, SSC स्कॉलरशिप टेस्ट गवर्नेंस जो कि क्लास 7 से लेकर के 10 तक के स्टूडेंट जो भी गए हैं वो इस टेस्ट में बैठ सकते हैं, जिसका लास्ट डेट 25/5/2019 है. आज मैं अपने विषय से कुछ हट करके आपको मैं बता रहा हूँ. यह न्यूज केवल हमारे लोकल आदिपुर या जमशेदपुर के स्टूडेंट्स के लिए है, वो भी जो स्कूलिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए है. स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड क्लासेस कोचिंग सेंटर आदिपुर के शेरे पंजाब मेन रोड में है. इसका फुल एड्रेस आपका है 3rd फ्लोर उनको हाउस एवं HP गैस एजेंसी शेरे पंजाब मेन रोड आदिपुर जमशेदपुर. जी हाँ, यहाँ पे आपका 6th क्लास से लेकर के PG तथा कंपटीशन UGC नेट इत्यादि सभी की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है. जो इस कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं उन्हें यहाँ फ्री में GMAT एडवांस का फाउंडेशन क्लास, नीट का फाउंडेशन क्लास तथा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस क्लासेस और CS का फाउंडेशन क्लासेस करवाई जाती है. इस कोचिंग के द्वारा गरीब बच्चों को जो कि जैक बोर्ड के 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट को फ्री कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है. तो इन्होंने ही स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड क्लासेस स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है. स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड क्लासेस में SSC स्कॉलरशिप टेस्ट गवर्नेंस ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसका टेस्ट आपका 5, 12, 19 और 26 मई को होगा. इसमें वे सभी स्टूडेंट्स शामिल हो सकते हैं जो आदिपुर में तथा जमशेदपुर में रहते हैं. इस स्कॉलरशिप टेस्ट में पूरे स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा, बट सभी स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं. इस स्कॉलरशिप टेस्ट में चाहे आप CBSE के स्टूडेंट हो, चाहे आप ICSE के हो, चाहे जैक बोर्ड के हो, अभी आप अगर 7 से 10 क्लास में हैं, अभी अगर आप 7 से 10 क्लास में गए हैं तो आप सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं. इसका अप्लीकेशन फी, एग्ज़ाम फी 100 रुपीज़ ओनली है. जैसे कि इसका रजिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम का अप्लाई करने का लास्ट डेट मैंने बताया 25 मई 2019 है. तो जैसे कि अभी जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उनका टेस्ट आपका 5 मई को हो जाएगा, जो 5 मई के बाद अप्लाई करेंगे उनका टेस्ट आपका 12 मई को हो जाएगा, और जो 12 मई के बाद अप्लाई करेंगे उनका टेस्ट 19 मई को होगा, और 19 मई के बाद जो अप्लाई करेंगे उनका टेस्ट 26 मई को होगा. जी हाँ, ये 5, 12, 19, 26 ये 4 संडे, मई का 4 संडे है और 4 संडे को टेस्ट होगा. अगर मान लिया जाए इसमें 5 को एग्ज़ाम हो गया, 12 को एग्ज़ाम हो गया, 19 को एग्ज़ाम हो गया और इसका कैपेसिटी जो है कोचिंग का सीट फुल हो गया, तो 26 का एग्ज़ाम नहीं होगा. तो जितना जल्दी हो सके आप लोग इसके अप्लाई कर दें. इसका अप्लाई करने के लिए आप इस मोबाइल नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9546996166. जी हाँ, 9546996166. और हमारा ईमेल आईडी है studentsstandardclasses@gmail.com. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ आकर के इस फॉर्म को भरने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं. आपको ईमेल के द्वारा आप कांटेक्ट कर सकते हैं या मोबाइल से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना सीट बुक करा सकते हैं. तो जैसे मान लिया जाए आपको 5 मई को एग्ज़ाम है या 12 मई को एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक आपको सीट बुक करा लेना पड़ेगा. तो उस दिन आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कितने बजे से होगा. तो आप एग्ज़ाम के दिन भी आप एग्ज़ाम से आधे घंटे पहले आ करके अप्लीकेशन की 100 रुपीज़ जमा करके आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और उसी दिन आप फॉर्म भर करके साथ ही साथ जमा कर सकते हैं. तो ये आपको सुविधा दी गई है. इस टेस्ट में केवल 7 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के क्यों ना हो. अब बात करते हैं कि इस टेस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, टाइम कितने घंटे का रहेगा. तो यह टेस्ट केवल मैथ और साइंस की होगी, जिसका टाइम 1 घंटे का होगा और इसका फुल मार्क्स आपका 50 या 100 मार्क्स का होगा. जैसे आप अभी 7 क्लास में गए हैं तो आपका मैथ और साइंस का क्वेश्चन जो है 6th क्लास से आएगा, क्योंकि आप 7th क्लास अभी जस्ट गए हैं तो आप 7th क्लास तो पढ़े नहीं है, तो 6th क्लास का मैथ साइंस आएंगे. अगर आप मानते हैं अभी आप 10th क्लास में हैं तो आपका क्वेश्चन 9th क्लास का मैथ और साइंस का बुक से आएगा. तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं और बहुत ही ईजी क्वेश्चन आएगा. और अब बात करते हैं कि इसमें सीट टोटल कितने हैं. इसमें टोटल सीट का टारगेट 400 का रखा गया है, जिसमें 1/4 स्टूडेंट को
100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराया जाएगा और 3/4 के स्टूडेंट को 50% स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराया जाएगा और ये सारे स्टूडेंट को 15-15 स्टूडेंट के बैच में डिवाइड किया जाएगा। और इस स्कॉलरशिप में आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप 7 से लेकर के 12 तक के फ्री कोचिंग कर सकते हैं। जो 1/4 स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे वो, और जो आपका बच गए 3/4 स्टूडेंट उनको 50% इनको फी में डिस्काउंट दिया जाएगा, स्कॉलरशिप दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको मेट्रिक बेसिस पे और इंटर बेसिस जो वैकेंसी निकलती है जैसे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस, जी मेंस एडवांस, नीट, सी एस, टेट, एस एस सी, इंटर लेवल पे, रेलवे, तो इन सब में से कोई भी एक कोर्स आपको फ्री में करवाया जाएगा। जो स्टूडेंट 1/3 में आएंगे उनको फ्री में कराया जाएगा और जो स्टूडेंट 3/4 में आएंगे उनको भी इसमें 50% का फी में डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये आपका बेनिफिट है, ये आपका स्कॉलरशिप है, ये एडमिट कार्ड है आपका, जो कि यहाँ के अगर सेंटर में आके आप कॉन्टेक्ट करते हैं, यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये फॉर्म भरा जाएगा। साथ ही साथ ये मैं बता दूँ, जो भी डायरेक्ट एग्जाम के दिन में अप्लाई करना चाहते हैं या डायरेक्ट एग्जाम में बैठना चाहते हैं, जो फ़ोन से या मेल से या व्हाट्सएप से अपना सीट बुक करना चाहते हैं, वे अपना एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर आए और उनको एग्जाम से आधे घंटे पहले आ, जो उनको एग्जाम टाइम बताया गया है, जो उनको एग्जाम टाइम बताया जाएगा उससे आधे घंटे पहले आना है। टेस्ट आपका स्टूडेंट स्टैंडर्ड क्लास सिर्फ अपना मेडुल कोचिंग में ही होगा। साथ ही साथ मैं ये बता दूँ कि यह कोई एनजीओ या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि आपको ये फ्री में कोचिंग सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि करा रही है। यह एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और इसके फैकल्टी टीचर्स लोग मिल करके ये कुछ स्टूडेंट्स को, खासकर गरीब स्टूडेंट्स के लिए ये हेल्प करना चाहते हैं। तो आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि इनको गवर्नमेंट सपोर्ट होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। इनके टीचर फैकल्टी लोग आपस में मिल के यह सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बात हम करते हैं कि जैसे आपको फ्री में कोचिंग क्लासेस कराई जाएगी तो इसका फी, एक्चुअल फीस क्या है, तो अभी आप लोग इसका एक्चुअल फीस क्या है इसको आप लोग जान लीजिए। जैसे कि 6 से लेकर 10th तक के जो स्टूडेंट हैं जो जैक बोर्ड के अप्लाई करेंगे उनका हम लोग का नॉर्मल फी 250 रुपये मंथली है, तो उनका जो क्वालिफाई करेंगे जो 1/4 में आएंगे उनका फ्री रहेगा और जो 3/4 में आएंगे उनका मंथली फी 100 रुपीज़ लगेगा ओनली जैक बोर्ड वालों के लिए। और जो CBSE IC बोर्ड के हैं उनका मंथली फी 500 है, तो जो क्वालिफाई करेंगे जो 1/4 में आएंगे वो 100% फ्री रहेगा उनका ट्यूशन फी, और जो 3/4 में आएंगे, उनका 250 मंथली लगेगा, 250 रुपये महीना लगेगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि इसका लाभ वे उठा सकें। थैंक यू।